हेलो भाई, मैं अनुपवार स्कॉर्पियो यार दबा के बिके जा रही है भाई। एक और स्कॉर्पियन की डिलीवरी ली हमने, लेकिन इस बार भाई बहुत डिफरेंट Z8 है डीजल ऑटोमेटिक के अंदर। प्राइस वगैरह की बात करते हैं, पहले ओनर से मिलवा देता हूँ भाई। इसकी डिलीवरी अभी कल परसों ही लेके आए और हम लोग पहाड़ों में घूमने भी आ चुके इस गाड़ी को लेके। यार गाड़ी लेते ही ना शौक सा चढ़ता है कि चलो घूम के आते हैं, तो ओनर से मिलवाता हूँ। दीपक भाटी भाई आइए एक बार गाड़ी के सामने आइए, इनसे पूछवा देता हूँ कितनी की है, क्या कुछ वेटिंग इस गाड़ी पे चल रही है फिलहाल। तो ये Z8 है डीजल ऑटोमेटिक। दीपक भाटी भाई, हाँ जी भाई। यार आपने कल डिलीवरी लिया, आपने मेरे को बुलाया था कि नहीं है भाई? बिजी थे, फोन करा था मैंने आप पे। अरे तो भाई मैं नहीं आ पाऊंगा, आप ले लेना भाई, थोड़ा सा काम था। वो हमारे तनिष भाई की डिलीवरी थी ना उस दिन, किया सेल्टोस हमने ली थी। पहले मेरे को बताओ भाई साहब कितने की पड़ी है आपको ये भाई? 2370 की ऑन रोड पड़ी है। 2370,000 रुपए की 4x2 भाई। सबसे पहले तो ये बताओ Z8 क्यों लिया है यार? ये मैं सही बताऊं, मेरा मन था Z6 का। अच्छा जी, पर वो लोग ना दे नहीं रहे थे, 7-8 महीने हो गए वेटिंग करते 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 करते। फिर हमें गाड़ी लेनी ही थी 2023 में ही, तो पापा ने बोला Z8 ले लेते हैं। Z8 ही ली, लग्जरी तो मिली नहीं थी, लग्जरी मेरे को लेनी नहीं थी भाई। पता है Z6 उसका बहुत ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, मतलब इससे भी ज्यादा। Z8 के भी फीचर्स अभी मैं बात करूंगा, लेकिन Z6 में तो फास्ट कर जाती। अब ये महिंद्रा वाले ना जो वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट होता है, जो वेरिएंट होता है, उसको देते ही नहीं है। क्यों दीपक भाई? और अब दे रहे हैं, मतलब क्या नाम है। हाँ अब तो भाई ऐसे मिल रही है भाई। अभी मैं आपको एक और वीडियो दिखाऊंगा, अभी हमने ब्लैक स्कॉर्पियो ने कॉल लिया, लेकिन वो Z6 लिया। अब तो एंड टू एंड ऐसे मिल रही है, अब वेरिएंट बोलो, मैनुअल ऑटोमेटिक सब कुछ मिल जाएगा। फिर एक्सेसरी वगैरह भी चेपी होंगी भाई? हाँ एक्सेसरी इसमें लगी थी भाई, 25-30 हज़ार रुपए की लगवाई थी मैंने नीचे। क्या नाम है, इंजन गार्ड होता है एक, आपने लगवाई या उन्होंने जबरदस्ती लगाई? उन्होंने भी बोला था, फिर गाड़ी की सेफ्टी के लिए नीचे से ना इंजन कवर हो जाता है। अच्छा, इस वजह से वो एक इंजन गार्ड होता है 12,000 रुपए का वो था, और अपना ये मड ये थे। अच्छा अच्छा अच्छा। और भाई इस गाड़ी पे आएगा नंबर 0036। सारी गाड़ियों पे 0036 है भाई। भाई रिच आदमी है भाई, 24 लाख रुपए की स्कॉर्पियो है। अब Z8 में चलो बताता हूँ मैं क्या क्या आता है। सबसे पहले तो देखो भाई, सफेद रंग की लाइट मिलेंगी ये इसके अंदर। Z2, Z4, Z6, Z8, Z8L ये 5 वेरिएंट आते हैं। उनमें भी फिर भाई पेट्रोल, डीजल, ऑटोमेटिक, मैनुअल उस तरीके का सिस्टम आता है। तो ये इस तरीके की आपको भाई नीचे साइड यहाँ पे मिलती है इसके DRL, यहीं पे फॉग लाइट है। इसमें Z8L में और इसमें भाई मात्र थोड़े बहुत फीचर्स का फर्क है, और प्राइस 1-1.5 लाख रुपए का फर्क है। जैसे Z6 कितने की पड़ रही थी भाई आपको? वो 20-90 की मिली, 20-90। और ये पड़ी कितने की? 23-70 की भाई। कितना फर्क है यार देखो। और मात्र क्या ऐड होता है, एक तो मेरे ख्याल से ये अलॉय ऐड होते हैं, ये हेडलाइट अलग आ गई, आपको प्रोजेक्टर मिल गया, लेदर वाली सीट हो गई, पुश स्टार्ट बटन हो गया, कीलेस एंट्री हो गई, ये सी शेप ही हो गए, ऑडी लाइक ये सिक्वेंशियल इंडिकेटर हो गए, क्रोम डोर हैंडल्स हो गए, अपने अलॉय व्हील हो गए, बाहर कहाँ धक्के खाते डोलते हैं, और इंश्योरेंस में कवर्ड है सब चीज। सबसे बड़ी बात, सब वो कवर्ड है। यहाँ पे हमको ये मिल गया, सॉफ्ट टच मिल गया, उसमें सारा प्लास्टिक आता है। 6 एयरबैग हो गए भाई, अपना रियर का कैमरा हो गया उसमें, Z6 में कैमरा वैमरा आते ही नहीं है, ऑटो फोल्ड मिरर्स आ गए, TPMS का फीचर आ गया, क्या लोगे और बढ़िया है भाई। ये भी जैसी गाड़ी शोरूम में से निकालनी थी ना, वही रखनी थी। अच्छा अच्छा, हाँ जी। अब स्टॉक रखने वाले बंदे हो। हाँ जी, हाँ। तो मैं भाई बात कर रहा था, Z8 में ना आपको ये नहीं मिलता कैमरा वगैरह, उसके लिए Z8L में जाना पड़ता है। मात्र भाई Z8 और Z8L में तो मात्र 3-4 फीचर्स का फर्क है। जैसे एक तो कैमरा हो गया, एक वायरलेस चार्जर, वो भी आपको डीजल ऑटोमेटिक उसमें मिलेगा, अपनी वाली में तो वो भी नहीं था अगर आप 4x4 लेते हो। इसके अलावा 6 वे इलेक्ट्रॉनिक सीट्स और 12 स्पीकर सिस्टम ना, वैसे फ्रंट पार्किंग सेंसर और ऐड हो जाते हैं। इनके लिए भाई 1.5 लाख रुपए कोई वर्थ है? Z8L में तो जाना ही बेकार है भाई, मेरे ख्याल से तो बिल्कुल बेकार है भाई, उसमें तो कोई वर्थ नहीं है। Z8 तो वो कल ही दे देंगे आपको, क्यों, उन्हें तो टॉप मॉडल निकालना है Z8L। हाँ उसको हाँ वो तो ऐसे खड़ा है ऐसे। हाँ, ऐसे आप बोलो भाई 27-28 लाख रुपए की गाड़ी है यार, क्या कर सकते हैं। तो भाई फोक लाइट वगैरह मतलब आगे से ही है, बस एक कैमरे को छोड़ दो, बिल्कुल टॉप मॉडल Z8L जैसी ही नजर आती है। अब साइड से देखो आप भाई, साइड से इसके अंदर आते हैं भाई 18 इंचेस के अलॉय व्हील्स। अगर आप ऑटोमेटिक लोगे, अगर आप मैनुअल लोगे तो इसमें भाई स्टील रिम आ रहे हैं, मतलब उन्होंने 17 इंच के व्हील भी देना जरूरी नहीं समझा। ऑटोमेटिक में तो देखो 18 के दे दिए डायरेक्ट, 255, 60, 18, 18, लेकिन Z8 मैनुअल में आपको नॉर्मल स्टील रिम मिलते हैं जैसे Z6 वेरिएंट में आएंगे। ये इसके भाई ORVM हो गए, यहाँ पे हमको इंडिकेटर मिलता है, क्रोम डोर हैंडल्स आते हैं, फुट स्टेप भी आ रहा है गाड़ी के अंदर, ये ऑलमोस्ट टॉप वेरिएंट से ही लगता है। इसके अंदर एड्रेनोक्स भी आता है भाई, रूफ रेल भी है, शार्क फिन एंटीना भी है, प्लस इसका DF टैंक और डीजल टैंक हमको यहाँ पे मिल जाता है, इसको प्रेस करते ही खुल जाता है, वहाँ पे कोई ऐसे जरूरी नहीं है वो सब नो वॉब से खोलने की भाई। और पीछे से आप बात करोगे तो इस तरीके की लुक आती है पीछे से भी, Z8 और L में ज़्यादा डिफरेंस ज़्यादा क्या कुछ है ही नहीं भाई। ये सिक्वेंशियल इंडिकेटर मिल रहे हैं, और ये अपने को ठहरो वगैरह मिलती है इसके अंदर, और पूरा ये देखिए हम ट्रिप पे निकले हुए हैं ना भाई, तो ये सब कुछ रख रखा है, देखो हमने कितना सामान इसके अंदर भर रखा है। ठहरो काम में आती है भाई, लेकिन प्रैक्टिकली बताऊँ हम इसको लिटा सकते हैं पर भूल जाते हैं भाई लिटाना, तो अब 4 लोग हैं तो हम क्या ही लिटाना, ऐसे सामान अपने ठूस लो, बहुत ज़्यादा सामान इसके अंदर आराम से आ जाता है, और यहाँ पे भी स्पेस है तो इसमें भी आ जाएगा सामान अपना पूरा। और ये देखिए इसका बूट हो गया, इस तरीके से ये खुलता है भाई साहब,
चलो अंदर लेके चलता हूँ भाई जेड डेट के अंदर। अब आपको और क्या क्या मिलता है, रूफ रेल सब कुछ आ रहा है यहाँ पे। देखिए रिक्वेस्ट है इंसान को देखने मिलेगा, लेकिन उससे पहले आप की बात करोगे तो बिल्कुल सेम टू सेम ऐसी की मिलती है भाई। फ्लिप की है, लॉक अनलॉक का बटन है और अपना बूट रिजर्व कर सकते हैं। बिल्कुल टॉप मॉडल जैसी चाबी है भाई। अंदर चलते हैं और यहाँ पे बात करोगे इंटीरियर में तो भाई फर्क ही नहीं, कोई बता नहीं सकता कि एल है या कौन सी आपकी वो है जेड एट नॉर्मल। सबसे पहले तो भाई देखो यहाँ पे अपना सॉफ्ट टच मिल रहा है, ये प्लास्टिक वगैरह चारों पावर विंडो ओआरवीएम वगैरह फोल्ड अनफोल्ड करने का पूरा सिस्टम है। बस फर्क एक ही आएगा कि इसके अंदर ना वो सिक्स वे एडजस्टेबल सीट नहीं है, जो इलेक्ट्रॉनिक सीट उसके अंदर आते हैं टॉप ब्रांड के अंदर, ये लंबर सपोर्ट का हो गया इसका। उसके अंदर बटन से आ जाते हैं। एक और चीज है उसमें सोनी लिख के आता है भाई, सोनी के स्पीकर मिलते हैं यहाँ पे। वो सोनी वगैरह का सिस्टम आपको नहीं देखने मिलेगा क्योंकि अपनी जेड एट है। और पर्सनली बताऊँ मैं थोड़ा सा आपको, यार मेरे को मतलब इतने अच्छे स्पीकर नहीं लगे भाई इसके जेड एट के। जैसे हम चल रहे हैं कल परसों से ही निकले हुए हैं तो इतने मजेदार मजे वाली बात नहीं है यार इसके स्पीकरों में ना। वो सोनी के ना बहुत तगड़े हैं इसके जो ऊपर वाले ब्रांड में आते हैं। स्पीकर्स के लिए वर्थ है, अगर आप फैन हो म्यूजिक सुनने के तो वो आप ब्रांड ले सकते हो, बट इस वाले में आपको मजा नहीं आएगा अगर आप म्यूजिक के शौकीन हो, रियलिटी बता रहा हूँ। वॉल्यूम कंट्रोल यहाँ पे मिल रहे हैं, क्रूज कंट्रोल आपको देखने को मिलेगा। ऑटोमेटिक हेडलाइट है भाई, ऑटोमेटिक ही वाइपर मिलते हैं। और ये 7 इंचेस की डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हमको देखने मिलता है। इसके कंट्रोल यहाँ पे है भाई, ये बिल्कुल सेम टू सेम वही है जैसा अपने पास जेड 8L में हुआ करता था भाई। मैंने तो भेज दिया अपने यार दोस्त जरूर खरीद रहे हैं इसको दबा के। फ्यूल इकोनॉमी बताता है, DEF लेवल बताता है, इसके अंदर बहुत सारे फीचर है, नेविगेशन, डिजिटल स्पीड आप देख सकते हो, व्हीकल इन्फो देख सकते हो। यहाँ पे देखिए व्हीकल इन्फो, अपना टायर प्रेशर वगैरह सारा कुछ बताएगा आपको ये। ये देखिए TPMS वगैरह सब कुछ है इसके अंदर, मतलब फुली फीचर लोडेड गाड़ी है भाई ये वाली। स्टीरियो जिसमें एंड्रॉइड ऑटो कारप्ले, वायरलेस आप इसके अंदर चला सकते हो। अब कारप्ले आ गया, ये बहुत अच्छी चीज़ है, पहले कारप्ले नहीं आया करता था। अब जैसे ट्रिप व्रिप पे घूम रहे हैं ना तो इट इज़ वेरी वेरी यूजफुल। अपने टाइम में तो आपको पता है हमको एंड्रॉइड ऑटो वगैरह लेके घूमना पड़ता था यार, पहले पूरे वही ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल वगैरह। यहाँ से आपको 1% भी जेड एट एल वगैरह का डिफरेंस समझ नहीं आएगा। बस इसमें ये ड्राइव मोड आ जाते हैं, जिप जैप जूप, ये नॉर्मली जैप पे लगी रहती है, इसके साथ कोई ज़्यादा छेड़छाड़ करता भी नहीं है भाई। ये है मेन चीज़ इसका ऑटोमेटिक। ओ हो भाई साहब क्या जबरदस्त ऑटोमेटिक है इसके अंदर, टॉर्क कन्वर्टर कितना प्यारा ऑटोमेटिक भाई। मैनुअल तो बहुत घटिया है इसका, लेकिन ऑटोमेटिक में स्कॉर्पियो लाजवाब। एक बार आपने ले ली ना टेंशन फ्री गाड़ी, बहुत बहुत लाजवाब। मैनुअल में फंसने की गलती मत करना भाई इसमें, मैं तो यही कहूँगा इसका ऑटोमेटिक बहुत स्वादिष्ट है भाई। इसकी हैंड ब्रेक हो गई, दो कप होल्डर मिलते हैं और ये आता है भाई इसका आर्मरेस्ट। यहाँ पे मिलता है भैया अपने को इसका ग्लव बॉक्स और ये चीज है बस थोड़ी सी। यहाँ पे वो सोनी की जाली सी लग के ना, वो करोल बामी 9000 रुपए की, वैसे क्या लगती है भाई ये इसका। ये वाली चीज थोड़ी सी बेकार है, ऑटो होता है तो और प्रीमियम लगता है। लोग कहते हैं भाई इसमें वो वेंटिलेटर सीट्स वगैरह भी डालनी चाहिए थी इस प्राइस रेंज में। भाई रगड़ है, रफ एंड टफ गाड़ी है यार, ये SUV है, उसमें कहाँ ठंडक लोगे। इसका AC ऑलरेडी इतना स्ट्रॉन्ग है, कोई दिक्कत वाली बात होती नहीं है। यहाँ पे आपको देखो लाइट भी मिल रही है, मिरर भी मिल रहा है। यहाँ पे बात करोगे यहाँ कुछ नहीं दे रखा ड्राइवर सर, इतनी नाइन साफी। इसमें सनरूफ भी आती है तो Z6 से यानी लग जाती है भाई। ये देखो इस तरीके से खुलता है ये पूरा सिस्टम अपना सनरूफ का। सनरूफ भी टेस्ट हो जाएगी इस ट्रिप पे भाई, जगह ही ऐसी जा रहे हैं, देखेंगे क्या परफॉर्म करते हैं। दो टाइप ए पोर्ट अपने को यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं, इसके अंदर वायरलेस चार्जर अपने को नहीं मिलेगा। ओके भाई, बात नहीं स्टेयरिंग की तो टिल्ट केवल ऊपर नीचे हो जाएगा, आपको आगे पीछे करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। रियली सॉरी, पीछे साइड चलता हूँ इस गाड़ी के अंदर। यार बढ़िया गाड़ी है, स्पीकरों से फील होता है बस, बाकी कैमरा कुमरा ये सीट सूट तो एक बार आप एडजस्ट कर ली छुट्टी। 6 एयरबैग आएंगे भाई इसके अंदर, ये देख सकते हो फ्रंट साइड कर्टेन एयरबैग। ये देखिए पहले तो आप सीट को इसको भी रिक्लाइन कर सकते हो। इसके अंदर भाई स्लाइड करने का ऑप्शन हमको देखने के लिए नहीं मिलता है। ये बैठो, यहाँ पे अपने को मिलते हैं इसके AC वेंट्स, ये पूरा आ गया 1, 2, 3। यहाँ पे टाइप सी दे रखा है, बढ़िया है, किसी के पास कैसा भी पोर्ट हर तरीके से आदमी अपना फोन चार्ज कर पाएगा। यहाँ मिल रही है भाई इसकी एक सफेद रंग की लाइट और यहाँ पीछे भी दो लाइट दे रखी हैं। बस इस गाड़ी में दिक्कत एक ये है भाई कि इसके अंदर ना थर्ड रो में AC वेंट्स देखने के लिए नहीं मिलते हैं, तो गर्मियों के सीजन में आपको लिटिल सी थोड़ी सी गर्मी का महसूस हो सकता है थर्ड रो में अगर आप बैठोगे। अभी तो हमारा सामान फुल लोडेड है, तो अभी तो हम इसको एज अ 4 सीटर यूज कर रहे हैं भाई। और ये इसमें एक आर्मरेस्ट भी हमको देखने को मिलता है जो काफी कन्वीनियंट रहता है भाई। बाकी भाई इसके अंदर हमको लेदर की सीट्स मिलती है, इसमें लेदर वेदर की सीट नहीं आती, इसमें लेदर राइट सीट्स अपने को मिल जाएंगी, यहाँ पे भी लेदर लगा हुआ मिल जाएगा। प्लस इसमें भाई ड्यूल जोन AC हमको देखने को मिलता है, इधर एक अलग टेम्परेचर इधर एक अलग टेम्परेचर सेलेक्ट कर सकते हो आप जेड एट वेरिएंट में। इसके अलावा जैसे भाई ये तो अपनी हो गई नॉर्मल 4x2, अगर इसमें 4x4 में आप जाओगे जेड एट में तो फ्रंट में तो आपको BLD मिलेगा यानी कि ब्रेक लॉकिंग डिफरेंशियल, रियर में हमको मिलता है भाई MLD यानी कि मैकेनिकल लॉकिंग अपना डिफरेंशियल। बाकी अब करते हैं भाई इसके शानदार इंजन डिटेल्स के बारे में बात। इसके अंदर 2 इंजन ऑप्शन आते हैं भाई, हैरियर वेरियर तो आज तक भी भाई पेट्रोल में अवेलेबल करवाई नहीं गई ये गाड़ी, पेट्रोल में भी अपने को देख। अरे खुल जा, कहाँ छुप गो यार, बाटी साहब आओ ना हेल्प करो यार बाबू एक बार।
भाई इसके अंदर हमको दो इंजन ऑप्शन मिलते हैं, एक तो पेट्रोल में आता है भाई इसका 2.0 लीटर का 2000 सीसी का इंजन है भाई, 200 बीएचपी निकालता है। भाटी साहब पेट्रोल में क्यों नहीं लिया आपने? पेट्रोल में यार जमता नहीं है आपको? पेट्रोल कैसे जमता नहीं है? बर्फ में? बर्फ में? बर्फ में नहीं जमता पेट्रोल, बर्फ में ज्यादा नहीं कम जाता। अब जहाँ हम जा रहे हैं भाई वहाँ पे इसके डीजल जम जाएगा। अच्छा जी, और क्या फिर क्या करोगे? कहाँ जा रहे हो आप? डेड मारेंगे फिर तो, लंबाई चल देंगे भाई ना कहीं पे तो। क्या हो गया भाई दोबारा खोलना? खुलना रहे हो? एक मिनट मैं खोलता हूँ भाई, हद हो गई यार। तो भाई इसके अंदर ना वैसे ही बता देता हूँ, चलो मैं नहीं खुल रहा था, वैसे आप जाल लगाओ। इसके अंदर भाई 2200 सीसी का डीजल एमोक इंजन आता है, 175 बीएचपी के साथ 350 Nm का टॉर्क भर भर के फेंकता है, और इसका जो ऑटोमेटिक है ओहो मक्खन मलाई, क्या भागती है गाड़ी, क्या स्मूथ ट्रांसमिशन है, मजेदार यार। मैं मैनुअल में फंस गया था, मैनुअल ना ली होती ना मैं जिंदगी भी अपनी गाड़ी ना भेजता। वाह भाटी साहब ये देखो, ये भाटी साहब दिखा के ही माने, वहाँ पे तो हमको जहाँ पे हम जा रहे हैं खोलना ही पड़ा रहा करेगा, बार बार इसमें कुछ करना पड़ा करेगा। भाटी साहब डर तो नहीं लगेगा? नहीं 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 भाई, कैसी बात कर दी है, जाट आदमी है। नहीं नहीं आप तो भाटी हो, आप तो ठाकुर हो। तो भाई ये देखो इस तरीके का इसमें पूरा सिस्टम मिलता है, DAT देखो यहाँ पे आपको मिलेगा, डीजल ऑटोमेटिक है ये। अच्छा मैनुअल क्यों नहीं लिया भाई आपने? मैनुअल में मजा नहीं भाई, आपने तो बताया था ऑटोमेटिक लेनी है। मैनुअल तो बहुत बकवास, मैं तो सब करीबन का हमने एक और लिया भाई ब्लैक रंग की, वो भी अभी मैं डिलीवरी वाली वीडियो डालूंगा उसकी, तो ट्रिप सीरीज खत्म होने के बाद उसमें भी हमने ऑटोमेटिक लिया है। इसका मैनुअल में तो कान में टल लगा दिया, मैनुअल नहीं लेंगे, ऑटोमेटिक फन टू ड्राइव है। बाकी सेफ्टी वाइज भाई चारों डिस्क ब्रेक गाड़ी के अंदर देखने को मिलती है, ABS, UVD, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, हिल स्टार्ट असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल, A to Z सेफ्टी फीचर्स, आपको बॉडी रोल वगैरह भी फील नहीं होता क्योंकि ESCR इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल। तो भाई ये था अपना Z8 वेरियंट महिंद्रा स्कॉर्पियो N का, कैसे लगा आपको ये वाला वेरियंट और इसका प्राइस 24 लाख रुपए में, फुल वैल्यू फॉर मनी है भाई, मेरी तरफ से 100% रिकमेंडेड है भाई, लेने लायक है। और ऑटोमेटिक में लोगे तो भाई मजे लोगे, और Z8 लेने के बाद आपको आफ्टर मार्केट कुछ भी काम करवाने की जरूरत नहीं है क्योंकि सारी गाड़ी में सारे फीचर्स आपको पहले से ही मिल जाते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।